सौ नंबर आपका स्वागत करता है। मैं हूं माधव तिवारी। हर अपराधी के लिए अपराध करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है जुर्म को छुपाना भी, क्योंकि मशहूर है कहावत कि गुनाह और गुनहगार कभी छुप नहीं सकते। एक नजर हमेशा उन पर टिकी है और वो है सौ नंबर, जिसकी पकड़ से कोई भी क्रिमिनल बच नहीं सकता। और आज समाज के वही दुश्मन सौ नंबर के टारगेट पर हैं। आज सौ नंबर की शुरुआत देवभूमि की दिल दहला देने वाली उस वारदात के साथ जहां हल्द्वानी शहर हलकान हुआ है। खौफ पसरा है और कई सवाल भी सुलगे हैं। यकीन मानिए, खबर आपकी रूह भी कंपा कर रख देगा और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर उस खौफनाक खेल की वजह क्या है। तस्वीर हल्द्वानी के हीरा नगर कॉलोनी की इस कोठी की मकान मालकिन उमा कंसल की है और दूसरी तरफ ये महिला उनकी नौकरानी रीना है। उमा कंसल और उनकी नौकरानी रीना का 2 सितंबर की सुबह वक्त तकरीबन 10:42 पर उस अनहोनी से सामना हुआ जिसकी कल्पना करके भी कलेजा कांप उठता है। बदहवासी से भरे ये चेहरे देखिए जो कोठी के अंदर बाहर हैं, साथ ही पुलिस की हाजिरी भी भांपिए और घर के अंदर का ये मंजर भी देख लीजिए। जो गवाही है 2 सितंबर की सुबह फैलाई गई उस सनसनी की जिसकी तासीर अब भी ताजा है। फर्श पर खून पानी बनकर पसरा है और सुना रहा है खौफ की दास्तान, जिसका शिकार मकान मालकिन उमा कंसल बन गई और जख्मी नौकरानी रीना। जी हां, उमा ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और नौकरानी रीना खुद पर हुए खूनी हमले से तड़प रही है और इसके दिमाग पर दहशत हावी है। चलिए पहले एक वीडियो दिखाते हैं जो आपके जहन पर आए सवाल का जवाब भी देगा कि आखिर मकान मालकिन उमा और नौकरानी का गुनहगार कौन है और किस तरह उन पर हमला हुआ। टीवी स्क्रीन पर आने वाला सीसीटीवी फुटेज जरा गौर से देखिएगा। 2 सितंबर की सुबह थी, सीसीटीवी फुटेज पर वक्त और तारीख भी दिखाई पड़ रही है। 10:42 का वक्त था जब नौकरानी रीना कोठी की मकान मालकिन उमा की रसोई के अंदर काम कर रही थी कि तभी घर का नौकर संतोष रसोई के अंदर आया और नौकरानी रीना पर लोहे की रॉड से वार करना शुरू कर दिया और फिर एकाएक रसोई का चाकू उठाकर रीना पर वार करना शुरू कर दिया। नौकरानी रीना किसी तरह अपनी जान बचाकर रसोई से भागी और जब नौकरानी रीना का शोर सुनकर मकान मालकिन उमा कंसल आई तो सिर पर खून सवार लिए नौकर संतोष से सामना हुआ, जिसने अंजाम की परवाह किए बगैर मकान मालकिन उमा पर पहले तो लोहे की रॉड से सर पर कई बार किए और फिर चाकू उनके जिस्म के अंदर उतार दिया। खूनी वारदात को अंजाम देकर नौकर संतोष तो फरार हो गया, लेकिन इस खूनी खेल से हल्द्वानी के हीरानगर इलाके में हड़कंप मच गया। तुरंत उमा के पति दवा कारोबारी पंकज कंसल को खबर दी गई। मौके पर पहुंचे पति पंकज ने लहूलुहान जख्मी पत्नी उमा को निजी अस्पताल इलाज के लिए एडमिट करवाया, लेकिन दवा और दुआ काम न कर पाई। उमा ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मौके वारदात पर पहुंची पुलिस ने सुराग सबूत जुटाए। नौकर संतोष ने जो कुछ भी वारदात अंजाम देने में इस्तेमाल किया उसे कब्जे में लिया गया और पूछताछ में पुलिस जुट गई। था उनका 3-4 साल से घर में रहने वाला नौकर था, उसने आज अचानक जो है घर में ये 10:30 घटना कर दी कि वो एक जो दूसरी नौकरानी थी उसके साथ भी मारपीट की है और जो मालकिन थी उनके साथ भी मारपीट की है
और अभी कारण कुछ नहीं पता है, कोई ऐसा लूट पाट ले जाना ये करना ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है क्यों किया उसने, कुछ रिजर्व टाइप का था बता रहे हैं, कुछ बोलता बोलता किसी को नहीं था, तो अभी पता कर रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं अभी घर वाले आ जाए तभी पता चले। और डेथ होगी, डेथ होगी क्या? हाँ ये सुनने मारा और ट्रीटमेंट के लिए गए थे वहाँ अस्पताल में। नौकर फरार है? हाँ वो अभी फरार है, उसी की तलाश कर रहे हैं। फिलहाल पूरी तरह से मामला खुलकर सामने नहीं आया है कि आखिर नौकर संतोष ने दास्ताने दरिंदगी क्यों लिखी। मगर वही दबी जुबान से इलाके के लोगों का ये भी कहना है कि नौकर संतोष ने दवा कारोबारी के यहाँ अभी 3 साल पहले ही नौकरी करना शुरू किया था और नौकरानी रीना पिछले 10-12 साल से उमा के यहाँ नौकरी कर रही थी और उसकी बात पर परिवार ज्यादा तवज्जो देता था। शायद इसी बात की नफरत पालकर नौकर संतोष ने रूह कपा देने वाली वारदात गढ़ी है, मगर असलियत क्या है ये अभी तक एक राज है, वो भी तब तक जब तक नौकर संतोष की गिरफ्तारी नहीं होती, जो ये साफ करेगी कि आखिर एक नौकर ने दहशत क्यों फैलाई। तारा जोशी, हल्द्वानी, नेशनल वॉइस। पहले घर की नौकरानी पर नौकर का खूनी हमला और फिर मकान मालकिन की बेरहमी से हत्या। खूनी खेल क्यों खेला गया ये अभी तक एक राज है और हल्द्वानी पुलिस जल्द खुलासे का दम भी भर रही है। लेकिन अब यूपी के शाहजहांपुर की जिस वारदात से हम आपको वाकिफ करवाने वाले हैं वो भी किसी मिस्ट्री से कम नहीं। आप भी देखिए। शाहजहांपुर के थाना बंडा के बसंतापुर इलाके के बाशिंदे सुखजीत सिंह 16 साल पहले अपने परिवार के साथ इंग्लैंड के डर्बी शहर में शिफ्ट हो गए थे और वहीं पिछले 16 साल से ट्रक चलाकर अपनी जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन 28 जुलाई 2016 के दिन सुखजीत सिंह इंग्लैंड से अपने पैतृक घर शाहजहांपुर के बसंतापुर आए और फिर परिवार को घुमाने के लिए भारत भ्रमण के लिए निकल गए। काफी घूमने के बाद 15 अगस्त के दिन सुखजीत सिंह परिवार के साथ वापस शाहजहांपुर के बसंतापुर आ गए और तब से यहीं पर रह रहे थे। ये सुखजीत सिंह है और सोनू सिंह, इनकी 34 साल एज है, सन ऑफ बलदेव सिंह। ये 16 साल से इंग्लैंड में डर्बी शायर में रह रहे हैं, वहाँ पर ट्रक चलाते हैं। ये अपनी घर वापस आए थे, करीब 4 साल बाद लौटे थे और अपने 2 बच्चों के साथ, वाइफ के साथ ये लौटे थे। और ये 28 तारीख को, 28 जुलाई को ये यहाँ इंडिया आए थे। मगर 3 सितंबर की सुबह थाना बंडा इलाके के अंदर ऐसी सनसनी फैली कि सुनने और देखने वाले दंग रह गए। जी हाँ, एनआरआई सुखजीत की हत्या से हड़कंप मच गया। जो शख्स अपने परिवार के साथ अपने पैतृक घर आया था उसके मर्डर से दहशत फैल गई और फिर इलाके में जमावड़ा लगना शुरू हुआ। इत्तला पुलिस तक भी पहुंची एनआरआई सुखजीत के कत्ल की खबर सुनते ही शाहजहांपुर पुलिस की भी नींद उड़ गई और फिर तुरंत मौके वारदात पर दस्तक दी, जहां पदहावासी पसरी थी और सुखजीत की बॉडी उनके बेडरूम के अंदर खून से लथपथ पड़ी थी। पुलिस ने सबसे पहले सुखजीत की बॉडी का पंचनामा किया और उनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही शुरू कर दी अपनी तफ्तीश। सुराग सबूत तलाशती शाहजहांपुर पुलिस के हाथ फिलहाल कोई क्लू नहीं लगा, मगर पुलिस ने बयान दिया कि एनआरआई सुखजीत की हत्या बड़ी बेरहमी से अंजाम दी गई है। आप भी सुनिए। बाहर घूमने के बाद, इंडिया में घूमने के बाद वापस अपने घर में 22 तारीख से रेगुलरली ये यहाँ रह रहे थे। 15 अगस्त को ये वापस आए थे घूम फिर करके और बीती रात को इनका शव मिला है जिसमें सर पे चोट है और गर्दन पे चोट है, किसी धारदार और हैवी हथियार से इनकी चोट है, सर पे है और गर्दन पे है निशान है इसके, और
जिसको इनकी वाइफ ने सबसे पहले देखा अर्ली मॉर्निंग, जो बगल के ही कमरे में सो रही थी। सुना आपने, एनआरआई सुखजीत सिंह 2 सितंबर की रात सुकून की नींद सोए थे, मगर जब 3 सितंबर की सुबह पास के बेडरूम में सोई उनकी बीवी पति सुखजीत को उठाने आई तो मंजर देखकर चीख पड़ी। तुरंत आस पड़ोस सबको इकट्ठा किया और फिर पुलिस को बुलाया गया। एसपी साहब के मुताबिक सुखजीत के सिर पर किसी वजनदार चीज से वार किया गया था और फिर किसी धारदार हथियार से उनकी गर्दन काटी गई। और सबसे पहले एनआरआई सुखजीत की बीवी ने ही उनकी लाश देखी। पुलिस फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड टीम की मदद से वारदात को वर्कआउट करने का दावा कर रही है, लेकिन फिलहाल उसके हाथ खाली हैं। कल पुलिस मौके पे आई है और हमारी फील्ड यूनिट, फॉरेंसिक यूनिट, हमारी डॉग स्क्वाड भी आई है। सब लोग, हम लोग यहाँ सीनियर ऑफिसर्स हैं, यहाँ पर अब पूरा मौका मुआयना हुआ है, बाकी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। शाहजापुर पुलिस जुटी है ताकि जल्द कोई क्लू हाथ लगे और एनआरआई सुखजीत सिंह की हत्या से पर्दा उठे, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ ऐसा कोई सुराग नहीं लगा है कि पुलिस खुलासे की तरफ कोई कदम बढ़ाए। एनआरआई सुखजीत की हत्या से माहौल गमगीन है, मगर सवाल ये उठते हैं कि जब सुखजीत का मर्डर लूटपाट के इरादे से नहीं हुआ और लूटपाट के कोई सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगे, तो फिर क्या एनआरआई सुखजीत किसी दुश्मनी का शिकार बन गया? आखिर सुखजीत का दुश्मन है कौन, जो उसका पिछले 16 साल से भारत लौटने का इंतजार कर रहा था? आखिर क्या वजह छिपी है इस हत्याकांड के पीछे? अब सारा दारमदार शाहजापुर पुलिस की सटीक तफ्तीश पर टिका है, जो जल्द ये साफ करे कि एनआरआई सुखजीत किसकी साजिश का शिकार बना। अभिषेक सिंह चौहान, शाहजापुर, नेशनल वॉइस। 100 नंबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी अपराध की कहानियों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। अब गोरखपुर की जिस खबर से आपको हम रूबरू करवाने वाले हैं, वो रिश्ते ही कलंकित नहीं करती बल्कि भरोसे का भी कत्ल करती है। सुनकर एक बारगी हमारा सिर भी शर्मिंदगी से झुक गया जब एक मजलूम ने अपनी दास्तान दर्द सुनाई। यकीन मानिए, आप भी खुद को रोक नहीं पाएंगे उन बेगैरत चाचा चाची की लानत मलानत करने से, जो बन गए सौदागर। चाची मेरी धंधा करवाती हैं और 6 महीने पहले भी आए थे, तभी भी करवाती हैं। हम अपने मामा भी यहाँ भाग के गए भी, तो हम किसी को बताए नहीं, फिर आए मामी ला के पहुँचा गए, तो फिर से दो लोग से धंधा करवा चुकी हैं। अब इन 10 दिन में कहती थी कि अगर नहीं करोगी तो तुमको जान से मार डालेंगे। सुना अपने लड़की का सनसनीखेज इल्जाम, सगे चाचा चाची पर शर्मनाक आरोप लगा रही है, सुना रही है उनकी दास्ताने दरिंदगी और बता रही है कि चाचा चाची ने किया उसके जिस्म को नीलाम। चाची ने उसकी बोली लगाई, गलत काम करने का दबाव बनाया, विरोध करने पर दी जान से मारने की धमकी, और ये सब हुआ गोरखपुर के थाना तिवारीपुर के घुनघुन घोटा गाँव के अंदर। यहाँ के रहने वाले कलयुगी चाचा चाची ने अपनी ही नाबालिग भतीजी को जिस्म परोशी के धंधे में धकेल दिया, कई बार गलत काम कराने के लिए मजबूर किया और नहीं करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। थाने में अपनी दास्ताने दर्द सुनाने आई ये वही मासूम नाबालिग लड़की है जिसकी बदनसीबी उसका साथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। बचपन में ही माँ बाप का साथ छूट गया, थोड़ी बड़ी हुई तो अपनों के सितम का शिकार हो गई। सगे चाचा चाची ने इस बदनसीब के जिस्म को बेचने का प्रयास किया और घिनौने काम में वो दरिंदे कामयाब भी हुए।
पैसा ले लेती थी, 5,000-10,000 ऐसे ले लेती थी, 2,000 5,000 ऐसे ले लेके धंधा करवा रही थी हमसे। कहाँ भेजती थी? कहीं भेजती थी नहीं, चाचा के पांच भवन है गांव में, वहीं पे भेजती थी। अपने दरवाजा बंद करके लड़कों घुसा के हमको भी अपने बंद करके दरवाजा बैठ जाती थी द्वार पे, और चिल्ला रहे थे तो कोई नहीं उठी कर रहा था। अब 6 महीने पहले भी 6 महीना करवाई, फिर आए हैं तो 10 दिन से दो लड़कियों से करवा चुके, 10 दिन हुआ आए हुए, तो सोई हुई थी बस। हम किसी ने बताया कि जाओ प्रधान के घर जाओ तुम, तो प्रधान के घर आए तो प्रधान यहाँ पे लेके हमको आए। पिछले 6 महीने से चाचा चाची की हैवानियत का शिकार बन रही नाबालिग लड़की से जब बर्दाश्त से बाहर हुआ तो मदद लेने की ठानी और 3 सितंबर की सुबह सुबह पहुंच गई गांव के प्रधान की चौखट पर, जहां अपने साथ हुई सारी आपबीती सुना दी कि किस तरह पिछले 6 महीने से चाचा चाची उसके जिस्म का सौदा कर रहे हैं। प्रधान का दिल भी नाबालिग लड़की की बातें सुनकर पसीज गया और सीधा पहुंचा पुलिस थाने, जहां सुना दी उन चाचा चाची की घिनौनी करतूत। अरे आज सुबह को 6 बजे आई ये लड़की अपने चाची चाचा यहां अपने मामा के यहां से तुलुआ बाजार रामपुर से 10 दिन पहले आए थे, तो इसके चाची चाचा जबरियन इससे धंधा करवा रहे थे पैसे के लेने के लिए। सुबह हमारे सुबह 6 बजे किसी भी तरह ये लोग सभी लोग सोए हुए थे, चुंगुड़ से भग के हमारे पास सुबह के 6 बजे आए, तो 7 बजे 7:30 बजे तक हम थाने पा गए थे। अपनी आपबीती हमको सुनाई, उसके बाद हम थाने पर लेके गए अधिकारी को। हम अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, अभी एप्लीकेशन दिए SO साहब सुबह कहीं निकल रहे थे, वो कहें रखिए अभी हम आ रहे हैं, तब से अभी तक हम 1 से 2 बजे तक थे, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, सिर्फ एप्लीकेशन नहीं पाया अभी तक। लेकिन जब दूसरी तरफ मामले पर मीडिया ने संज्ञान लिया तो पुलिस जाग गई और तुरंत एक्शन लिया। उधर नाबालिग की शिकायत पर आनन फानन में पुलिस ने आरोपी चाचा चाची के खिलाफ मामला दर्ज कर दोनों की गिरफ्तारी कर ली। गांव की एक लड़की पूजा आई थी थाने तिवारी गुरु में, जैसे ही पता चला कि इनके चाचा चाची ने तो इनके साथ जोर जबरदस्ती से धंधा करवाना चाह रहे हैं, तो उस जो प्रार्थना पत्र पर तत्काल मुकदमा कायम कर लिया गया और इसके साथ साथ चाचा चाची को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन CO साहब के मुताबिक पुलिस को मामला संदिग्ध लग रहा है और पुलिस दम्भ भर रही है कि पूरी तफ्तीश के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। CO साहब के मुताबिक अगर लड़की 6 महीने से प्रताड़ना बर्दाश्त कर रही थी तो फिर अब क्यों शिकायत दर्ज करवाने आई, पहले कहां थी लड़की? जो आ रहा है अभी जांच में कि उसके खिलाफ में इनको ढाल बना करके इस लड़की पूजा को अपने चाचा चाची के खिलाफ में मतलब से लगा रहे हैं आरोप। फिर भी लड़की का मामला होते हुए नाबालिग लड़की है वो, और हमने FIR दर्ज कर लिया है और उसके बाद विवेचना जांच दोनों जारी है, जो सही कार्रवाई होगी उसके अनुसार में सही कार्रवाई की जाएगी, सही विधि कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक और चीज आया है कि पहले 6 महीना पहले इसने आरोप लगा था कि 6 महीना पहले हम यहाँ पर थे तो हमसे कराता था, तो 6 महीना पहले ना किसी ने कोई बोला ना उस लड़की ने आई, जबकि लड़की आती है, और इधर 15 दिन से लड़की जो है चाचा चाची के पास आई थी, इससे पहले वो मामा के यहाँ थी, मामा का लड़का इनको लिया गया पहुँचाया था और मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ। यानी CO साहब का कहना है कि 6 महीने पहले ही अगर लड़की आ जाती तो शायद मामला उनकी नजर में सही लगता, और अब अगर वो किसी की मदद लेकर 6 महीने बाद कानून की चौखट तक पहुंची है तो मामला संदिग्ध प्रतीत होता है साहब को। CO साहब आप फैसला मत कीजिए, जांच कीजिए और फिर किसी निष्कर्ष तक पहुंचिए, क्योंकि यहां एक लड़की के भविष्य का सवाल है। संजय कुमार, गोरखपुर, नेशनल वॉइस। कोर्ट में एक केस चल रहा था, तारीख दर तारीख लग रही थी, यह सिलसिला 12 साल से बदस्तूर जारी था, पैरवी करने वाला खुद गवाह भी था, बस फैसले के इंतजार में था, आरोपी को सजा भुगतते देखना चाहता था, मगर 12 साल पहले शुरू हुई उसकी ये जद्दोजहद उस वक्त दम तोड़ गई जब वो एक साजिश का
शिकार बन गया। ये तस्वीर है 50 साल के जाकिर की। जाकिर गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके का रहने वाला है और दूध व्यापारी है। 2 सितंबर की शाम जाकिर अपनी मोटरसाइकिल से दिल्ली वजीराबाद रोड पर जा रहा था कि तभी पीछे से बाइक सवार हथियारों से लैस आए तो बदमाशों ने जाकिर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक जाकिर को 5 गोलियां लगी हैं। हालांकि लोगों के मुताबिक 1 दर्जन गोलियां चली हैं। बदमाश इतने बेखौफ थे कि जाकिर की हत्या कर आराम से फरार हो गए। इलाके में इस वारदात के बाद से दहशत पसरी है। यही रहता है अपने परिवार के साथ। आज कहाँ आ रहा था? ये दूध देने जा रहा था। दूध देने जा रहा था, पैसों का कारोबार था, दूध का कारोबार था। गोली मारी गई, इसमें कौन से लोग पता चला? कोई रंजिश चल रही थी। परिवार में कौन कौन है इसके? अरे अच्छा, जीत सिंह में बैठा पसौड़े में कहाँ लगा। वहीं पुलिस के मुताबिक जाकिर के ससुर की हत्या 12 साल पहले कर दी गई थी और जाकिर उस हत्याकांड की पैरवी कर रहा था और खुद गवाह भी था। पुलिस को उन्हीं हत्यारों पर जाकिर की हत्या का शक है। एक जाकिर नाम का आदमी है जो पसौंडा गांव के पास में, अभी उसको गोली मार के हत्या कर दी गई है, जिसमें 2 अज्ञात लोगों के द्वारा गोली मारने की सूचना है, जो मोटरसाइकिल से आए थे और ये जाकिर भी मोटरसाइकिल से जा रहे थे और ये दूध का डेयरी का काम करते हैं। गोली मारने के बाद इनको पुलिस के द्वारा जो है वहाँ अस्पताल पहुँचा दिया गया है, लेकिन वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई। इस वारदात ने एक बार फिर साबित कर दिया कि यूपी में गवाहों की सुरक्षा भगवान भरोसे ही है। अब देखना होगा कि गवाह जाकिर के हत्यारों को पुलिस कब तक पकड़कर सलाखों के पीछे ढकेलती है। शक्ति सिंह, गाजियाबाद, नेशनल वॉइस। 100 नंबर में आज बस इतना ही। कल फिर खुलेगी गुनाह की एक और डायरी और 100 नंबर पर होगा उसका हिसाब किताब। दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।